अगर आप अपना और मेरा भला चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। थैंक्स। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ 10 माह पहले यूट्यूब चैनल बनाया था। चैनल बन गया जनाब, 4 माह में मोनेटाइज हो गया, ऐड चलने लगे। जैसे जैसे ऐड चलने लगे वैसे वैसे हम भी खुश। बहरहाल फिर पहली पेमेंट आने तक यूट्यूब से क्या खतो किताबत हुई या होती रही और क्या क्या मसाइल पेश आए, आइए ज़रा जल्दी से उसका एक जायज़ा लेते हैं। अब मैं वीडियो के एंड पर आपको बताऊंगा कि हर स्टेप ठीक से सर अंजाम देने के बावजूद और गूगल एडसेंस की तरफ से पेमेंट रिलीज होने के बावजूद क्या हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। एक बात और, ये इशू मोनेटाइजेशन अप्लाई करते वक्त आया जब मैं दूसरे स्टेप में एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर रहा था। कुछ एरर आ गया और ये ईमेल मौसूल हुई, लिहाजा मैंने ये फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए। तो जनाब, फाइनल पिन रिक्वेस्ट के बाद एड्रेस वेरिफिकेशन का मरहला मैनुअली बखूबी सर अंजाम पाया और हमने ये वाली मेल रिसीव की। अब इस दौरान एडसेंस अकाउंट में $100 से ऊपर की शर्त पूरी हो चुकी थी, जो कि 22 जुलाई को मेरे बैंक अकाउंट में रिलीज कर दिए गए थे इस ईमेल के मुताबिक। और जनाब को इतला दे दी गई कि 5 वर्किंग डेज में ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, अगर ना हो तो बैंक चले जाना। यहाँ YouTube ने गलती कर दी, क्योंकि मैं 5 दिन क्या 8 दिन बाद बैंक गया, सारी रुदास सुनाई। पहले तो वो माने ही नहीं कि माँ बदौलत एक यूट्यूबर है। बहरहाल मना ही लिया किसी तरीके से और उनकी तरफ से कह दिया गया कि चलो चेक करते हैं और आपको बताते हैं। वो बेचारे चेक करने लग गए, हफ्ता भर बेचारे चेक करते रहे, जबकि एडसेंस अकाउंट से बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र होने के 14 दिन बाद गूगल जी से जनाब ये पेमेंट ऑन होल्ड की मेल मौसूल होती है। ये रही मेल। तो है ना जनाब, यूट्यूब की गलती या गलती से मिस्टेक। बहरहाल उसी दिन हमने मेल का रिप्लाई कर दिया, हालांकि तमाम डॉक्यूमेंट्स हम पहले अटैचमेंट की सूरत में सब भेज चुके थे। ये सारे जो 4-5 इन्फॉर्मेशन हम दोबारा मांगे। तो ये रही मेल। और अगले ही दिन हमारी पेमेंट से होल्ड को साफ कर दिया गया और हमें फिर से उम्मीद की किरण दिखाई देने लग गई। अब हम अगले दिन बैंक पहुँच गए, UBL विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंक फॉर यूट्यूबर्स। ये बहुत सारे बड़े यूट्यूबर भी कहते हैं और हमने भी इसको आजमा लिया। आगे चल के आने बताते हैं कि क्या हुआ। हम UBL पहुँच गए और एक डिस्प्यूट फॉर्म भर दिया, जिसमें हमारी ज़ाती मालूमात के साथ साथ गूगल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड भी दर्ज किया गया, जहाँ से पेमेंट आती है। अब होना तो ये चाहिए था कि अगले दिन या उससे अगले दिन पेमेंट आ जाती, लेकिन 3 दिन गुजरने के बावजूद पेमेंट नहीं आई। और तीसरे दिन हम UBL के रेमिटेंस डिपार्टमेंट के पीछे पड़ गए। ऑनलाइन नंबर्स पे कॉल की, किसी को कुछ पता ही नहीं था। फिर उधर से कहा गया कि इस ईमेल पर रब्ता करें। चौथे दिन ईमेल कर दी गई और उसके 1 घंटे बाद ड्रॉप सीन हो गया, यानी पेमेंट आ गई और हम भी उन खुश नसीबों में शामिल हो गए जिनकी YouTube से पेमेंट आती। कितनी आई और कितने कटे? तो भाई नया नया हूँ, ज़्यादा तो नहीं आई,
पर सिर्फ 565 रुपये ही कटे। इसके लिए UBL काफ़ी मशहूर है। जबकि एक दोस्त का बैंक अलहबीब में अकाउंट है, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 2000 रुपये कटते हैं। तो भाई और सजनों, ये थी हमारी कहानी। शायद इसमें कुछ काम की बात हाथ लग जाए, और अगर लग जाए तो दे दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे भी तो हम अक्सर बेमायने और बेकार किस्म की वीडियो देख ही लेते हैं। तो चलिए, इजाज़त दीजिए। फिर वही मेरा एक महसूस रिमाइंडर आप तमाम काबिल एहतराम दोस्तों के लिए कि अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम और अल्लाह हाफिज़। खतों किताबत जारी रखिएगा, वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।